यहाँ देख सकते हैं जो किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यक्रम का गांव कागदाना के अंदर से काफी यहाँ किसान काले झंडे हाथों में लिए हुए हैं और ये विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और एक सामने दिखाना चाहेंगे जैसे एक तरफ कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जय किसान जय जवान। साथियों, जो आज का साडा विरोध है एदा कांडे दा ते दुखल दा कीता गया, ते जिन्ने भी आते आए ने सारे किसानां ने विरोध कीता। जो साडे किसान 700 साढ़े 700 दिल्ली शहीद होया ते बाकी किसान जिन्हां दे कुचल दिता गड्डी दे थले देखे। यहाँ देख सकते हैं आप जैसे काफिला निकला है और किसान और ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं और सामने जो स्थिति आप देख, पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है किसानों को। भाई साहब यहाँ पे हजारों गाड़ियां आई है, 2000 बंदे टोटल थे, बाहर से बुलाए हुए थे, एक भी किसान नहीं था। और भूल चौक के 15-20 किसान आए थे, वो हमारे साथ लगे हैं। यहाँ पे कोई किसान नहीं था, आपने दिखाई होगी पूरी रैली, इनकी गाड़ियाँ बसें खड़ी कर दी थी हमारे आगे इन्होंने डरते हुए। और इनको कोई वोट मत देना, ये जो कांडा है ये कोई काम का आदमी नहीं है। आज ये कैसे पवित्र हो गया जो बीजेपी में आके, बोलो, पूछ लेना उससे। पहले इसको बलात्कार या रोक दिया गया था, कल इसके बंदों ने पत्रकार भाइयों का बहुत बड़ा अपमान किया था और वो हमारे भी भाई था। वो ऐसे काम सिखाता है, उसको ऐसे काम सिखाता है। एक बहन का अपमान किया था, हम तन मन से उसके भी जाते हैं। तो ये देख सकते हैं किसान जो हैं विरोध कर रहे हैं डटकर, और यहाँ से जो काफिला है कार्यक्रम समाप्ति के बाद जैसे काफिले निकल रहे हैं, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे वो यहाँ से वापसी हो रही है उनकी। लेकिन सामने देख सकते हैं आप जो किसान हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो मौजूदा सरकार है। आप सामने देख सकते हैं एक तरफ जो है यहाँ नेताओं की गाड़ियों के काफिले निकल रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ किसान सामने देख सकते हैं आप खुलकर विरोध कर रहे हैं बीजेपी का। और सामने देख सकते हैं आप काले झंडे हाथों में लिए हुए हैं, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। और पुलिस बल और सुरक्षा बल यहाँ भारी संख्या में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी, और सामने जो कार्यक्रम रखा गया था बीजेपी का आज, और ओम प्रकाश धनखड़ हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो यहाँ पहुँचे थे और किसानों ने खुलकर विरोध किया है। और काले झंडे आप देख सकते हैं, यहाँ काले झंडे दिखाए जा रहे हैं किसानों द्वारा इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि किसानों में भारी रोष है। तीन जो कृषि कानून बनाए गए हैं उन्हें लेकर काफ़ी यहाँ विरोध किया जा रहा है। और जैसा कि गुरनाम सिंह चढ़ोनी हैं, उनका भी नेता बयान आया था, गुरनाम सिंह चढ़ोनी जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता, उन्होंने भी कहा था कि बीजेपी का जहाँ भी चुनाव हो वहाँ खुलकर विरोध करें। और उसी के मद्देनज़र और यहाँ जो किसान हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और बीजेपी का विरोध यहाँ दिखाया जा रहा है आपको ग्राउंड मीडिया के माध्यम से। पुलिस बल मौजूद है, सुरक्षा बल मौजूद है, लेकिन फिर भी किसान हैं जो काले झंडे हाथों में लिए हुए हैं। और तो देख सकते हैं आप काले झंडे हाथों में लिए हुए हैं और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों द्वारा, जो लगातार जारी है। इस कार्यक्रम के जैसे शुरू हुआ था तभी से लेकर और अब शाम के लगभग 5 बजने वाली है, लेकिन किसान जो हैं वो विरोध लगातार किसानों द्वारा किया जा रहा है बीजेपी का। और सामने तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे ये बुजुर्ग है, क्या क्या कहना चाहेंगे सर? अरे जी इन्होंने बिल्कुल किसानों ने यही कहा भी कोई वोट नहीं डालना बीजेपी का, जो भी आ दुकानदार आ चाहे को किसान आ चाहे को व्यापारी आ, ये सब नु सरकार खत्म कर दूगी, ये कोई नहीं छूगी, हर एक नु खत्म कर दूगी। जे इन्होंने जताता एलना बार तो एलना बार वाले खत्म हो जाएंगे, जो भी पिंडा वाले दुकाना वाले व्यापारी आड़ती गए सारे खत्म कर दूंगी। देख सकते हैं बुजुर्ग किसान ने उनको साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी को वोट मत दो, वो अपील कर रहे हैं अपनी तरफ से। जो किसान है बुजुर्ग क्या कहना चाहेंगे? सुबह काफी टाइम से विरोध कर रहे हैं आप लोग, नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जब तक ये तीनों काले कानून दुरुस्त नहीं होते, MSP खरीद गारंटी नहीं शुरू होती, बिजली बिल
220 वो नहीं लागू किया था, हमारा पुरजोर विरोध ऐसे ही चलता रहेगा। और शांतिपूर्वक ढंग से आपने देखा ही है कितनी पुलिस फोर्स इन्होंने लगा दी, पुलिस बल कितने उन्होंने लगा दी, यहाँ तक कि रैपिड पुलिस भी इनको लगानी पड़ी है, रैपिड पुलिस भी इन्होंने यहाँ लगा दी। फिर भी किसानों ने, पुलिस ने हमें जहाँ रोका हम वहाँ रुके। संयुक्त मोर्चे का फैसला है कि शांतिपूर्वक ढंग से विरोध करो, हम विरोध करते रहेंगे, इनकी जमानत जब्त करवा के रहेंगे, जमानत जब्त करवा करेंगे। साफ तौर पर किसानों ने संदेश दे दिया अपने विरोध प्रदर्शन के द्वारा कि जो बीजेपी का विरोध है वो जब तक कृषि कानून वापस नहीं ले लेते वो लगातार जारी रहेगा। और यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सैकड़ों के तादाद में किसान यहाँ मौजूद है। इस कार्यक्रम जो रखा गया था भाजपा द्वारा, तो उसके अंदर जो मौजूद थे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, और हम अपने लगातार ये तस्वीरें दिखाई। और आप जुड़े रहिए, बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। इलाहाबाद उपचुनाव की एक एक अपडेट आपको हम लगातार आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, इलाहाबाद के गांव कागदाना से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।